मेरे साथ ये भाई हैं, इनका नाम है उमेर, जो कि मेरे क्लास फेलो है। इन्होंने रिसीव किया एयरपोर्ट से और मुझे तो रस्तों का भी नहीं पता, यही लेके जा रहे हैं मुझे और इनको भी ज़्यादा नहीं पता, तो हम जा रहे हैं दोनों, देखते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम जद्दा। ये देख सकते हैं आप मेरे बैक साइड पे, ये जो इतने ज्यादा बैग पड़े हुए हैं, हमारी तैयारी फुल हो चुकी है। हम जा रहे हैं पाकिस्तान, ऑलमोस्ट अ लॉन्ग टाइम, तकरीबन 8 साल बाद। जी हाँ, 8 साल बाद जा रहा हूँ मैं पाकिस्तान। ये बैग हमारे रेडी हो चुके हुए हैं और सब लोग भी रेडी हैं, तो बस अभी थोड़ी देर तक हम एयरपोर्ट के लिए इंशाल्लाह निकलेंगे और अपनी फ्लाइट लेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा सफ़र आज का हैरियत से गुजरे और हम हैरियत से पाकिस्तान पहुँचे। तो पाकिस्तान जाने की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, वहाँ मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे मैं मिलूँगा। काफ़ी टाइम हो गया मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो 8 साल बाद इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और उम्मीद है कि मेरा ये टूर अच्छा गुजरेगा और पाकिस्तान में जिस जिस जगह पे मैं जाऊंगा खुद भी देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। उम्मीद है कि मेरा ये टूर आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो सब कुछ रेडी है, ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, बस कपड़े चेंज करने हैं और हम लोगों ने निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम हैरियत से पाकिस्तान पहुँचे, तो फिर आपसे मुलाकात होगी पाकिस्तान में। तो आए आज के सफ़र की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे जी हमारी फ़्लाइट, ये देखते हैं कहाँ पे, ये रही हमारी सऊदी एयरलाइन। 2:10 पे हमारा जहाज़ जो है वो उड़ेगा और इंशाल्लाह सुबह 9 बजे लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँचेगा।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू चैनल फ्राम लाहौर। जी हाँ, सही सुना आपने, लाहौर। कल रात की फ्लाइट से मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ, तो इस टाइम मैं लाहौर पे हूँ। और आज के सारे जो हम पहला काम कर रहे हैं वो आप बैक साइड पे देख सकते हैं, गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है। हम जा रहे हैं इसको फुल करवाएंगे, क्योंकि घर में इस टाइम गैस बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए मेरे साथ कौन है, मेरे साथ ये भाई है, इनका नाम है उमेर, जो कि मेरे क्लास फेलो है। इन्होंने रिसीव किया एयरपोर्ट से, और मुझे तो रस्तों का भी नहीं पता, यही लेके जा रहे हैं मुझे, और इनको भी ज़्यादा नहीं पता। तो हम जा रहे हैं दोनों, देखते हैं कि हमें कहाँ से मिलता है गैस स्टेशन, जहाँ से ये गैस जो है फुल होगी। और एक दो और काम है तो वो भी करने हैं हमने, जा रहे हैं। तो देखते हैं लाहौर, आज लाहौर का मौसम भी बड़ा अच्छा है, बादल है, टेम्परेचर जो इस टाइम है 35-36 है, गर्मी है। खुद भी एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी साथ साथ मैं दिखाता हूँ। तो मेरे साथ देखें जी लाहौर को भी। ले जी ये देख ले, ये सामने हमें यहाँ पे मिला है गैस वाला, यहाँ से हमने अपना सिलेंडर फुल करवा लिया। ये आप देख सकते हैं सामने जो ये वो गन्ने का रस है, जिसे रो भी कहते हैं, ये भी मिल रही है। ये मेरा बड़ा शौक है पीने का, लेकिन उमेर साहब ने मुझे मना कर दिया कि ना पियो, ये ना हो के पेट खराब हो जाए। तो इसलिए मेरा दिल बड़ा कर रहा है, क्योंकि मौसम गर्म है बाहर और ठंडी ठंडी रहोगी। अब तक कोई 25-30 रेडियां मेरे सामने से गुजर चुकी हैं, लेकिन उमेर ने मुझे पीने नहीं दी, और अभी फिर मेरे सामने देखें रो वाला ही है। खैर आगे देखते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये जी लाहौर। पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आंटी ने तो गिलास भर लिया रो का, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है। आगे देखते हैं, उमेर को कहता हूँ यार एक गिलास तो पिला दे रो, चेक तो करें। ये देखें आ रहा उमेर। देखो लाहौर ठोकर न्याज बेग, रश देखें आप। दोपहर के 2 बजे और हमारे पास जो गाड़ी है उसके सारे शीशे जो हैं वो ब्लैक पेपर लगा हुआ है, और लाहौर पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है ब्लैक पेपर के साथ। तो अब हम ढूंढ रहे हैं कोई आदमी मिल जाए जिससे हम ये ब्लैक पेपर जो हमारी गाड़ी को लगे हुए हैं ये रिमूव करा लें, क्योंकि 2 दफ़ा पुलिस वालों ने हमें रोक लिया है। वो मांगते हैं परमिट जो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ये देख सकते हैं ये ऊपर भी लगा हुआ है, बैग पे भी है, साइड मिरर पे भी है, तो वो रिमूव करना पड़ेगा। हमें आदमी मिल नहीं रहा कोई, कहाँ से मिलेगा आदमी, बार बार वही रो वाले छली वाले। और आपको मिलेंगे आम, ये देखें आप ब्लैक पेपर उतर रहे हैं गाड़ी से, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो देख सकते हैं। ये देखें जी 3 दरवाज़ों के उतर गए, ये लास्ट रह गया है
और इसका भी अभी 5 मिनट में उतर जाएगा। ये उमैर को मैंने बोला भी था कि हम उर्दू उतार लेते हैं, लेकिन उमैर ने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा नहीं जी हमसे सही नहीं उतरेगा। ले जी पूरे उतर गए हैं। ये उमैर को मैंने बोला भी था कि हम उर्दू उतार लेते हैं, लेकिन उमैर ने कहा नहीं हमसे नहीं सही उतरेगा। और अब आप देखें चारों शीशों के जो हैं वे वो उतर गए हैं, और ये चार पेपर उतरवाने के हमें 400 रुपये पे करने पड़े हैं, जो आई थिंक ऐसे ही हमने इस भाईजान को दे दिए। उमैर को बोला भी था कि हम उर्दू उतार लेते हैं, लेकिन उमैर साहब ने मेरी बात मानी नहीं और फजूल में हमने इस भाईजान को 400 रुपये पे कर दिए हैं। 200 दिया है, और उमैर साहब को कहा था कि मैं खुद उतार देता हूँ, खुद उतार लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मिरर पे जो है वो निशान रह जाएंगे। इनको बोला भी है भाई साहब को कि बाहर मैंने 3-4 दफ़ा ये उतारे हैं गाड़ी से, नहीं रहते, लेकिन नहीं चले जो होता है अच्छा होता है। ये देख लें उमैर साहब को, ओ अब 200 दे के ये 200 की मैंने ना रोप ही लेनी थी, लेकिन नहीं भाई जन को दे दिया, मुझे नहीं रोप लाई। तुम्हें भी रो यार रो तो ना ना रोने वाली बात बिल्कुल। चले खैर चलते हैं आगे और कोई किसी जगह से ठंडी सी रो पीते हैं। ये देख लें गाड़ी फुल करवा ली है हमने, 30 लीटर डाला है तकरीबन 8,000 का। खुद ही देख लें कि क्या महंगाई है और कितने का पेट्रोल डलता है गाड़ी में। यहाँ पर यहाँ पे हम मनी एक्सचेंज करवाने आए थे तो वो भी हो गई है। अब हम जा रहे हैं वापस घर, टाइम काफ़ी हो गया, कल रात से मैं उठा हुआ हूँ और फुल नींद आई हुई है मुझे, इसलिए मैं ग्लासेस जो है वो नहीं उतार रहा, आंखें मेरी रेड हैं। और अब घर जाके तो मैंने नींद पूरी करनी है और सोना है। देखिए जी टाइम जो है वो दोपहर के तकरीबन 2:45 हो गए हैं। शुक्र है आज मौसम अच्छा है लाहौर का, ज़्यादा गर्मी नहीं है। ये देखिए सारी रेडियो वाले खड़े हैं इस पे, आम और ये पालसे सेब केले स्ट्रॉबेरी, और ये उमैर साहब जो है ना कुछ भी नहीं खिला रहे। मुझे प्यास फुल लगी हुई है और इसे मैंने कहा कि रो पिला दे मुझे और अल्लाह करके कोई रो मिल जाए। Goodbye.